गाइज इंस्टाग्राम मैसेज वाले फीचर को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके फ्रेंड की प्रोफाइल शो होती है, और प्रोफाइल के ऊपर अगर यहाँ पर ग्रीन टिक शो होता है तो ये जो ग्रीन टिक है इससे आप पता लगा पाते हैं आपके जो फ्रेंड है उस वक्त ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर ग्रीन टिक आ रहा है तो आपके फ्रेंड ऑनलाइन है, अगर यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं आ रहा है तो वो ऑफलाइन है, इस वक्त इंस्टा पर वो फ्रेंड अवेलेबल नहीं है। अब ऐसे में हो क्या रहा है, बहुत से मेरे भाइयों के सामने ये जो ग्रीन टिक है शो नहीं हो रहा है, सभी फ्रेंड यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है, सभी फ्रेंड यहाँ पर सेम दिखा रहा है लेकिन ग्रीन टिक नहीं शो हो रहा है। तो ऐसे में आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं आपके जो फ्रेंड है वो ऑनलाइन है या नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ ये आप कैसे पता कर सकते हैं आपके फ्रेंड ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। तो इंस्टाग्राम पर वो कौन सी सेटिंग है जिसे करने से आप पता लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर तमाम फ्रेंड के सामने ग्रीन टिक शो हो रहा है, वो कौन सी सेटिंग है जिसे आप करने से पता लगा सकते हैं आपके फ्रेंड ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा। चैनल पर अगर आप है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो पर छोटा सा एक लाइक जरूर कर देना, और मुझे आपकी हेल्प करने में दिल से खुशी होती है, इसलिए अगर आपको वीडियो में कहीं से भी कुछ भी समझने की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है टेक्निकल दिलजाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। सो गाइस जैसे आप मेरे फोन की स्क्रीन देख रहे हैं, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को एक बार ओपन करता हूँ। इंस्टाग्राम मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं मैसेज के आइकन पर टच करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जितने भी फ्रेंड ऑनलाइन है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जो ऑफलाइन है वो भी हम देख पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर ऐसी सेटिंग कर रखी है जिसके द्वारा मैं पता लगा पा रहा हूँ जो मेरे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड है वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। अब यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के आइकन पर टच कर लेता हूँ। ध्यान रहे आपको यहाँ पर दो बार अपने प्रोफाइल के आइकन पर टच करना होता है, पहले आप यहाँ पर होम पर टच कीजिएगा, उसके बाद फिर से आप यहाँ पर प्रोफाइल के आइकन पर टच कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको थ्री लाइन का फीचर दिखाई देगा। अब यहाँ पर थ्री लाइन पर टच करने के बाद आपके सामने ये सेटिंग्स आ जाती है, ये सेटिंग्स ओपन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होता है और आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा मैसेज एंड स्टोरी रिप्लेस। आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा शो एक्टिविटी स्टेटस। आप यहाँ पर टच करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फीचर है अगर आपको यहाँ पर ऑफ दिखाई देता है तो ऐसे में आप ये पता नहीं लगा पाएंगे आपके जो फ्रेंड है उस वक्त ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। आपको इस फीचर को यहाँ से चालू रखना है, ऑन रखना है, ऐसे में कोई भी आपका फ्रेंड जब ऑनलाइन आएगा तो आप पता लगा पाएंगे वो ऑनलाइन है या नहीं है। यहाँ पर मैसेज पर टच करने के बाद उसकी प्रोफाइल के सामने आपको यहाँ पर ग्रीन टिक दिखाई देगा। अगर आपने ये फीचर ऑन कर रखा है, ऐसे में आपका कोई फ्रेंड ऑनलाइन है और आप नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है आपका जो फ्रेंड है उसने अपनी सेटिंग में इस फीचर को बंद कर रखा है, क्योंकि अगर आप इस फीचर को बंद करते हैं तो ऐसे में ना तो आपके फ्रेंड आपको ऑनलाइन देख पाते हैं और ना आप किसी और फ्रेंड को ऑनलाइन देख पाते हैं। तो इसलिए अगर आपको चेक करना है आपके फ्रेंड ऑनलाइन है या ऑफलाइन, जो सेटिंग मैंने आपको बताई है ये आपको ऑन रखना है, ऐसे में आप पता लगा पाएंगे आपके जो फ्रेंड है वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।